नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिखा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सिंपल रेसिपीज़ में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही बढ़िया मोदक की रेसिपी। तो प्लीज़ वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, गणेश चतुर्थी आने वाली है तो मैंने सोचा आपके साथ मोदक की रेसिपी शेयर करूँ। तो ये मैं बना रही हूँ चावल के आटे के मोदक। इसमें हम नारियल और गुड़ की स्टफिंग करके इनको बनाएंगे। ये स्टीम्ड मोदक हैं। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो चावल के आटे का डो बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप चावल का आटा और उसके लिए हम कढ़ाई गरम करेंगे। उसमें डालेंगे 3/4 कप पानी और 1/2 कप दूध, 1 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे और 1/4 टीस्पून नमक। जब पानी और दूध में बॉईल आ जाएगा फिर हम आटा थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम को लो कर लें और आटा थोड़ा थोड़ा ऐड करके मिक्स करते जाएं। और जब सारा आटा हम डाल के मिक्स कर देंगे फिर गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और आटे को ढककर रख देंगे 10 मिनट के लिए ताकि आटा अच्छे से फूल जाए। और तब तक हम स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है नारियल का एक गोला, तो उसको मैं इस तरह से ग्रेट कर रही हूँ। मुझे यहाँ पर 1 कप नारियल चाहिए तो मैं इसको ग्रेट कर ले रही हूँ। आप चाहें तो रेडीमेड क्रश किया हुआ नारियल ले सकते हैं। और अब मैंने गरम कर लिया है एक पैन, तो उसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून देसी घी और मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से खसखस यानी कि पॉपी सीड्स। और जब ये हल्की सी फ्राई हो जाएगी और नारियल डाल के नारियल को 1 मिनट तक थोड़ा सा भून लेंगे। और अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप गुड़। 1 कप नारियल के लिए 1/2 कप गुड़ सफिशिएंट होता है। और बस गुड़ के मेल्ट होने तक इसको अच्छे से पका लेंगे। और लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर और थोड़ा सा नटमेग पाउडर यानी कि जायफल का पाउडर। इस तरह से थोड़ा सा क्रश कर देंगे, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा स्टफिंग में। आप चाहें तो यहाँ पर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और बस हमारी स्टफिंग बनके तैयार है। स्टफिंग को दूसरे बोल में या प्लेट में निकाल लेंगे। अब आटे को चेक कर लेते हैं। तो यह हमारा आटा अच्छे से फूल गया है, तो इसको हम बड़ी थाली में ले लेंगे और थोड़ा सा मैश करके एक डो फॉर्म में ले आएंगे। अब ये हल्का गुनगुना है तो अच्छी तरह से ये मैश होकर बिल्कुल डो फॉर्म में आ जाएगा। और मैंने हाथ में थोड़ा सा घी लगा लिया है तो अब मैं इस तरह से मैश कर रही हूँ। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा ड्राई हो रहा है तो इसमें थोड़ा सा दूध या थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। मुझे भी थोड़ा सा ड्राई लग रहा है तो मैंने 1 टेबलस्पून के बराबर इसमें दूध ऐड कर लिया है। अब मैं इसको अच्छे से मैश कर लूँगी। तो ये देखिए आटा डो फॉर्म में आ चुका है। अब हम मोदक बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने ले लिया है मोदक मोल्ड। इसमें मैं डाल रही हूँ लगा रही हूँ थोड़ा सा देसी घी। और अब हम इसके अंदर इस तरह से चावल के आटे को फिल करेंगे। इसको मैं आपको 2 तरह से बनाकर दिखाऊंगी। और मैंने दोनों तरफ चावल के आटे को इस तरह से लगा दिया है। अब मैं इसमें रख रही हूँ स्टफिंग और इस तरह से हम बोल को बंद कर देंगे और जो एक्स्ट्रा आटा निकल रहा है उसको हम हटा देंगे। तो ये देखिए मोदक बनके रेडी हो चुका है। और अब हम इसको निकाल लेते हैं बोल के अंदर से। जहाँ से भी हमको एक्स्ट्रा आटा निकलता हुआ दिखेगा उसको हम हटा देंगे। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया मोदक बनके रेडी हो चुका है। ये देखिए बोल्ट की ग्रीसिंग हमको सिर्फ 1 टाइम करना है, बार बार इसको ग्रीस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब हम बनाते हैं मोदक दूसरे तरह से। तो ये देखिए बोल्ट के अंदर हम थोड़ा सा चावल का आटा डाल देते हैं और इसको चारों तरफ फैला देते हैं। बीच में थोड़ा सा होल करते जाएं, ये देखिए इस तरह से, ताकि हम इसमें अच्छे से स्टफिंग भर सकें। और मैंने इस तरह से स्टफिंग डाल दी है। स्टफिंग अच्छे से आ गई है इसके अंदर, मैंने काफ़ी गहरा इसमें होल कर दिया था, ये देखिए। और बस इस तरह से पैक कर देंगे।
और बस हम मोदक निकाल लेते हैं मोल्ड में से। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया मोदक बनके रेडी हो रहे हैं। और बस इसी तरह से हम सारे मोदक बना लेंगे। और मोदक को स्टीम करने के लिए मैंने रख दिया है कढ़ाई में पानी। पानी में बॉईल आ चुका है, उसके ऊपर मैंने रख दी है एक छन्नी, नॉर्मली स्टैंडर्ड जो घर में होता है पोहे वगैरह की छन्नी। और उसके ऊपर मैंने रख दिया है केले का पत्ता। अगर आपके पास केले का पत्ता ना हो तो आप इसको ग्रीस कर सकते हैं थोड़ा सा घी लगाकर। और इसके अंदर मैंने मोदक रख दिए हैं। मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी तो मोदक रखते हुए आपको नहीं दिखा पाई हूँ। तो मैंने ये सारे मोदक लगा दिए हैं स्ट्रेनर में। और थोड़ी सी केसर को मैंने दूध में भिगो कर रखा था तो मैं इसको डाल रही हूँ मोदक के ऊपर। इससे क्या होगा कि लुक्स में भी बहुत अच्छे हो जाएंगे मोदक और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अब हम मोदक को ढक देंगे किसी अच्छे से ढक्कन से, जिससे वो कवर हो जाए बढ़िया तरीके से। और 15 मिनट तक इनको मीडियम फ्लेम पर स्टीम करेंगे। तो 15 से 20 मिनट में मोदक अच्छे से स्टीम हो जाएंगे आपके। आप चाहें तो इनको चेक कर सकते हैं, थोड़ा सा छू कर देख लें। अगर ये चिपकते हैं हाथ में तो मतलब स्टीम नहीं हुए हैं ठीक से, तो इनको थोड़ा और स्टीम कर लीजिए। अगर ये हाथ में नहीं चिपक रहे हैं तो बढ़िया तरीके से स्टीम हो चुके हैं। और अब हम इनको कढ़ाई में से अलग कर लेते हैं और 5 मिनट तक इनको ठंडा करने के बाद केले के पत्तों पे से इनको निकाल लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया मोदक बनके तैयार हो गए हैं। इनको मैं निकाल लेती हूँ अब। तो दोस्तों आप गणेश चतुर्थी पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। आप चाहें तो मेरे चैनल पर और भी मोदक की रेसिपीज़ देख सकते हैं।